तो भाई वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज मेरा 73 डे है 75 का, तो मेरे को जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको स्टार्ट करनी थी, तो उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो ज़्यादा वेटिंग तो भाई मुझे इसे एंड करनी चल रही, क्योंकि 75 डेज के मैंने जब से स्टार्ट किया उसके बाद डेली वीडियो डालने के चक्कर में ना भाई, ना तो मेरे को सोने का टाइम मिल रहा है, ना एडिटिंग ढंग से करने का टाइम, ना ढंग से शूटिंग करने का टाइम। मतलब इसके चक्कर में भाई साहब पूरा मेरा 75 डेज का शूट तो सारा ही बेकार हो चुका है। डेली डेली नई लोकेशन पर घूमना भाई, इतना खास इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा मुझे उसमें, धीरे धीरे इंटरेस्ट मेरा ख़त्म होता जा रहा है। बस ये है ना कि बस अब 75 डे कम्प्लीट होने के बाद एक नए वे से स्टार्टिंग होगी, कैसे शूट करना है, थोड़ा टाइम मिलना तो शूटिंग में वीडियो एडिटिंग में तो बहुत बढ़िया रहता है यार। और अब 70 दिन के बाद तो भाई जब से मैं हरिद्वार आया हूँ तब से तो ये सीन है कि भाई कहीं पर क्या लोकेशन ढूंढनी है, क्या कंटेंट डालना है, कैसे डालना है, क्या डालना, पता नहीं चल रहा। मेरा चैनल एडवेंचर विद लाइफ, मतलब ये एक टूरिज्म के नाम पर मैंने रखा था कि लोकेशन विजिट करूँगा, अच्छी अच्छी लोकेशन हो, केवल ये नहीं कि केवल धार्मिक वे में हो, तो वो हर चीज़ के लिए था। बस जब से मैं आया तब से केवल यार धार्मिक वे में ही घुसा हुआ हूँ, बस माइंड सेट ही भटक गया पूरा। बट कोई नहीं, बस 2-3 दिन हो जाएगा 75 डेज के बाद कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर केदारनाथ बचेगा हमारा, बद्रीनाथ बचेगा, और फिर तो बस पहाड़ों में घूमना है। तब आके जिन लोकेशन विजिट करनी है, और लोकेशन विजिट करनी है, जितने भी कुछ होते हैं ना मिस्ट्रीज पैलेस होते हैं साले, चाहे वो इंडिया से बाहर हो, इंडिया के अंदर हो, बाहर का तो नहीं बोल सकते, इंडिया के अंदर जितने भी होंगे आप, मतलब कि ये समझो कि आप जो भी जैसे हो गए आपके सिटीज़ या फिर ज़्यादातर स्टेट वगैरह में, तो वहाँ जाकर विजिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो कंटिन्यू नहीं रहेगी भाई, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में टाइम चाहिए होगा, शूटिंग में टाइम चाहिए होगा। अब चाहता हूँ यार इतना अगर इतनी कोशिश करता हूँ तो भाई नॉर्मल सी बात है, वीडियो की शूटिंग थोड़ी अच्छी करनी पड़े। हाँ, तब तो थोड़ा सीखेंगे भी आराम से करेंगे, ठीक है। तो एक हरिद्वार में एक और मंदिर पड़ता है, इसका नाम है पुगाल मंदिर, सभी जानते हैं आपको, इसका बहुत बड़ा मेला बहता है जाहरवीर के नाम से, गोगा जी के नाम से। आज उसी को लोकेशन में आज विजिट करने आया हूँ, 2-3 मिनट की वीडियो उसकी भी शूट करके, 2 दिन और बचेंगे वहाँ भी कहीं ना कहीं शूट करके उसको एंड करेंगे फटाफट। तो भाई चलो यार फटाफट शूट करते हैं। कुछ ऐसी लोकेशन है भाई यहाँ पे, अभी पीछे ना क्या नाम है, 1 अप्रैल से मेला लगा हुआ था, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए। किस लिए लगाया था पता नहीं, वो शायद यहाँ के जो आसपास के सदस्य हैं लोग, उन्होंने लगाया था, तो वो भी एंड हो गए। अब ये स्टेप वाला मंदिर है, और वो सामने वहाँ पे है जहाँवीर जी का जो मेन मंदिर है ना वही, और यहीं पर भरता है मेला हर साल, भरता है जब भी जहाँवीर की छड़ी आती है तभी भरता है, और छोटा मोटा मेला नहीं भरता, बहुत बड़ा मेला भरता है हरिद्वार में, सभी लोग जानते हैं इस मेले को कि गूगल मेला कहाँ पे, बहुत बड़ा होता है। तो अभी निकलते फटाफट यहाँ से दर्शन करने, देख के विजिट करके चलते हैं फिर। भैया यहाँ से होगी इसकी एंट्री स्टार्ट हो गया, और देखो ऊपर चमगादड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, शाम के टाइम यहाँ से हरिद्वार साइड भाग जाते हैं अधिकतर। ये बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे, बहुत पुराना, यहाँ देखो गजी का। ये महादेव का एक शिवलिंग है इधर भाई, हल्का वल्का हाथ धोने का सबसे पुराना पेड़ यहाँ पे। देखो चमगादड़ कितने सारे इसके ऊपर भाई, शनि महाराज। ये भैरव माँ काली भैरव,
के साइज ही है। कोगा जी का मेन मंदिर है, यही बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा मेला बढ़ता है। और जो सावन के बाद छड़ी आती है ना कोगा जी की, आपने देखी होगी जगह जगह ढोल नगाड़े बजते हैं, भंडारे चलते हैं, बहुत बड़ा वो होता है ना, तो वो यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। आपको मेले विजिट करूँगा जब यहाँ मेला बढ़ेगा इस बार, बस ये लोकेशन है। तो यही लोकेशन है बस, और एक इसके पास पड़ता है महादेव का मंदिर बगल में, वहाँ चलते हुए फटाफट उसको शूट करते हैं। और मेरे को थोड़ा आइडिया दो भाई, अगर आप में से कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हो जो शूटिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह ऐसे जानता हो सिनेमेटिक शॉट में, तो भाई उसमें थोड़ी हेल्प करो मेरी यार। अब थोड़ी लर्निंग का टाइम है, लर्निंग और एडिटिंग दोनों एक साथ से चलेगी भाई, ठीक है चलते हैं फटाफट। ये मंदिर है भाई, तो रघुनाथ भवन, रघुनाथ भवन है। और राम जी का दरबार, यहाँ पे काफ़ी पुराना कुआ भी भाई, बहुत पुराना है। मतलब कुछ लोग जो प्राचीन है ना उनमें हमेशा कुएं मिलेंगे आपको, ये तो मैंने खास देखा है, कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक। सूखा है कुछ दिख रहा है, छोड़ो बाकी बस फिलहाल तो यही है। ये इधर राम जी का मंदिर है, मुझे लगा महादेव का मंदिर है क्योंकि मैं इतनी बार ब्याह हुआ रात में ही आया हूँ, इतने ध्यान से मतलब कभी हमेशा जब भी आया मतलब थोड़ा मेले के वजह से आओ कि बस मेरे को मेले में घूमना है, दर्शन की वजह से नहीं आया था, तो आज के दर्शन भी आराम से किए हैं। चलो भाई इसी अच्छी वीडियो करते समापन, मिलते हैं आपसे कल एक और नई लोकेशन के साथ, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं कल। तो राधे राधे।